आज आषाढ़ कृष्ण अमावस्या रविवार 18 जून 2023 है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्री जी की नगरी में स्थित चौपाटी बाजार है। आप सभी इस स्थल से भली भांति परिचित हैं। यहीं से हम प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए मंदिर मार्ग पर प्रवेश करते हैं। संदर्भ यह है कि बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के प्रभाव से आज तीसरे दिन भी प्रभु श्री जी की नगरी में निरंतर बारिश जारी है, साथ ही हल्की हवाएं भी चल रही हैं। मौसम में ठंडक व्याप्त हो गई है, हालांकि अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री है और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री है, लेकिन आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और बारिश निरंतर हो रही है। कभी कभी मूसलाधार हो रही है तो कभी छिटपुट हल्की बारिश हो रही है। आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई है। इस बीच प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा निरंतर हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। आइए आज की एक और विशेषता का अवलोकन करते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी का घसियार स्थित प्राचीन मंदिर है, जो उदयपुर से वाया घसियार नाथद्वारा नेशनल हाईवे पर स्थित है। संदर्भ यह है कि आज नित्यलीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री बड़े गिरधारी जी महाराज का उत्सव है, जिन्हें घसियार वाले महाराज भी कहा जाता है। आपके समय नाथद्वारा के ऊपर मराठाओं आदि के आक्रमण के कारण आपने घसियार में श्री जी का नूतन मंदिर सिद्ध करवाकर विक्रम संवत 1858 में श्री जी श्री नवनीत प्रिया जी एवं श्री विठ्ठलनाथ जी को वहां पधराए। आप उल्लास एवं उत्साह से श्री जी के मनोरथ आदि करते थे। आपने घसियार में ही लीला प्रवेश किया। आपका जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था, यही कारण है कि आज प्रभु को सादा वस्त्र एवं श्रृंगार धराए जाते हैं। आपने अपने जीवन काल में नाथद्वारा में श्री जी के सुख हेतु एवं जन सुखार्थ कई स्थानों का निर्माण कार्य करवाया और विकास के कई कार्य किए। आप सभी को नित्य लीला से तिलकाय श्री बड़े गिरधारी महाराज के उत्सव की खूब खूब बधाई। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज उत्सव होने से प्रभु श्री जी में विशेष क्रम रहता है और श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है और आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। वहीं झारी जी में सभी समय यमुना जल भरा जाता है और दो समय राजभोग एवं संध्या की आरती थाली वाली की जाती है। उत्सव की भोग सेवा के तहत गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में आज श्री जी को केसर युक्त दूध घर में सिद्ध की गई वासुंदी, केसर युक्त जलेबी के टूक, राजभोग में अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता और सखड़ी में मीठा में बूंदी प्रकार अरोगाए जाते हैं। संध्या में भोग के समय फीका के स्थान पर बीज चालिनी का घी में तला हुआ सूखा मेवा अरोगाया जाता है
और संध्या आरती में ठोड़ के स्थान पर वारा में बूंदी के गोद के बड़े लड्डू अरोगाए जाते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों आषाढ़ मास की उष्णकालीन सेवा चल रही है। आज नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकाय श्री बड़े गिरधारी जी महाराज का उत्सव है। अतः प्रभु श्री जी को नियत वस्त्र श्रृंगार एवं आवरण धराए गए हैं और उत्सव के विशेष भोग भी अरोगाए जा रहे हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धराई गई हैं। और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज अधरंग अर्थात गहरे पतंगी रंग के मलमल की पिछुआई सजाई गई है। आज सजाई गई यह पिछुआई बिना किनारी के हाशिया वाली होती है। पिछुआई के अलावा कादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से 1 पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाब दानियां भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की त्रिष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को गहरे गुलाबी रंग अर्थात पतंगी रंग के वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज आड़बंद धराया गया है और विशेषता यह है कि उत्सव नायक के सादा जीवन की भावना से यह आड़बंद बिना किनारी वाला है, क्योंकि इन दिनों प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्ण काल का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा से सिद्ध किए हुए उत्सव के मिलवा धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज अधरंग की मलमल की गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच के ऊपर आज प्रभु को रूपहरी लोम की किलंगी धराई गई है, साथ में
लोम्भी धराई है, नित्य की भांति बाई ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण में प्रभु को हीरा से सिद्ध किए हुए कर्ण फूल धराए गए हैं। श्री कंठ में त्रवल की जगह कूल्हे की कंठी धराई गई है और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। वहीं श्वेत पुष्पों की एक बिना धाग वाली माला और एक कमलाकार माला हमेल की भांति धराई गई है। श्री हस्त में तीन कमल की कमल छड़ी धराई गई है और सुआ वाले वेणु जी भी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु को ऐसे ही वेत्र जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां हकीक की पधराई हैं। इन सभी साज वस्त्र श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटिकंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई यह आरसी रजत से सिद्ध की हुई उत्सव वाली आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में आवत काल की सांझ देखो, राजभोग में ठीक दुपहरी की तपन में भलेई, बधाई में श्री वल्लभ नंदन रूप अनूप, आरती में ललित ब्रज देश, शयन में अरि हो तो या मग निकसी, मान के पद में आज सुहावनी रात, पोड़वे के पद में प्रेम के पर्यंक पोढ़ें, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। जल में खिलौनों वाला यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध किए गए सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा तिलकायत श्री के सानिध्य में सुखेन संपन्न हो रही हैं। सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
शिवल्लभ नंदन गावो जय वल्लभ नंदन गावो जय श्री गिरि धर न सकल सुख दाता श्री गिरि धर न सकल सुख दाता गोविंद को शिर ना शिवल्लभ नंदन गा जय शिवाल कृष्ण बालक संग प्रताप विमल यश श्री रघुनाथ प्रताप विमल यश श्रवणन सदा सुना शिवल्लभ नंदन वल्लभ नंदन गावो जय यदुकुल में यदुनाथ विराज पारन लीला पारन विष्णुदास को करो कृपा विष्णुदास को करो श्याम चरण लपटा घनश्याम चरण लपटा जय श्री वल्लभ नंदन विराज लीला परन पाव विष्णुदास को करो कृपा घनश्याम चरण लपटाऊ घनश्याम चरण लपटाऊ जय श्री वल्लभ नंदन गाव जय श्री वल्लभ जय श्री वल्लभ जय श्री वल्लभ नंदन गा प्रेंग पर मदिरुचिर
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।